फर्स्ट ईयर, बी एड फर्स्ट ईयर में. अब जो आपका एक लास्ट टॉपिक है उसके बाद इसमें मैं आपको रिविजन कराऊंगी कल से, निबंध लेखन. कल मैंने आपको डायरी लेखन बताया था, अब निबंध लेखन बच्चे किस प्रकार से लिखते हैं. तो लेखन मूल्यांकन के विकास के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात होती है निबंध लेखन की होती है, मतलब निबंध लेखन भी एक महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व माना जाता है. निबंध लेखन की जो प्रवृत्ति होती है, तो निबंध लेखन की प्रवृत्ति का विकास करने के लिए प्राथमिक स्तर से ही छात्र को छोटे छोटे विषयों पर निबंध लिखने के लिए क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए. इसमें छात्र को क्या करना चाहिए, उन विषयों पर 4 या 5 लाइन लिखने के लिए बोलना चाहिए जो उसके परिवेश से संबंधित हो. जैसे कक्षा 5 के छात्र है, उन्हें गाय पर निबंध लिखने के लिए 5 से 100 शब्दों का निबंध लिखने के लिए दिया जा सकता है. या फिर ये हो सकता है वो आसपास अपने वातावरण में क्या देखता है, अपने मम्मा पेरेंट्स को देखता है, परिवार पर निबंध लिखने के लिए उसे बोला जा सकता है 5-6 लाइन, मतलब 50 से 100 शब्दों के बीच में. इस प्रकार उसके परिवेश से रिलेटेड उससे निबंध लिखने के लिए प्राथमिक स्तर से ही प्रोत्साहित करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. अब बात आती है इसी प्रकार छात्रों को सामाजिक परंपरा होती है, रीति रिवाज होते हैं, या फिर मेले होते हैं, त्यौहार होते हैं, ठीक है, उन्हें इस तरह के निबंध लिखने के लिए दिए जा सकते हैं. इसी प्रकार छात्रों को सामाजिक परंपरा के साथ साथ जो मेले होते हैं, जो त्यौहार होते हैं, या जो कार्यक्रम बच्चे के द्वारा आयोजित किए जाते हैं, जो बच्चे गतिविधियों में पार्टिसिपेट करते हैं, उनसे रिलेटेड भी निबंध लिखने के लिए बोला जा सकता है. लेकिन निबंध का जो आकार होता है वो छात्रों के शिक्षा के स्तर के अनुसार होना चाहिए, छात्रों के स्तर और योग्यता के अनुसार ही हो सकता है. कि प्राथमिक स्तर का बच्चा है तो उसे प्राथमिक स्तर का ही निबंध दिया जाए, उससे रिलेटेड आयु स्तर के अनुसार ही उसे निबंध लिखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए. जैसे कक्षा 1 के छात्र को निबंध में 4 या 5 लाइन लिखने के लिए की जा सकती है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे हम व्याख्या के रूप में निबंध लिखना प्रारंभ करते हैं. इस प्रकार से निबंध लेखन की शिक्षा हमें कहाँ से दी जा सकती है, प्राथमिक स्तर से ही छात्रों को प्रदान की जा सकती है. इससे निबंध लेखन से बच्चों में तर्क और चिंतन शक्ति के साथ साथ लिखित अभिव्यक्ति का भी क्या होता है, विकास होता है. अब निबंध लेखन में जो अध्यापक होते हैं उसे कौन कौन सी बातें, मतलब क्या क्या उपाय कर सकते हैं हम बच्चों के समक्ष, जो पैरा नंबर आता है छात्रों को प्रदान किए जाने वाले उनके स्तर एवं योग्यता के अनुकूल हो, दूसरा है रुचि विकसित करने के लिए छात्रों के द्वारा संपन्न की जाने वाली विविध गतिविधियों के माध्यम से
उनकी रुचि के बारे में जानकर प्रकरण प्रदान करनी चाहिए। नेक्स्ट वाला स्टैंडर्ड निबंध लेखन के लिए छात्रों को उनकी स्वेच्छा से शिक्षक प्रदान किए जा सकते हैं। देखो, छात्रों को प्रदान किए जाने वाले जो निबंध होते हैं वो लेखन संबंधी विषय उनके स्तर और योग्यता के अनुकूल होने चाहिए, ताकि बच्चों को क्या वो एक तरह से प्राथमिक स्तर से ही हमें निबंध लेखन के लिए मतलब बच्चों के अंदर अभिव्यक्ति का विकास करना चाहिए, लेखन अभिव्यक्ति का। तो इसके लिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि ज़्यादा उनके हाई लेवल का भी निबंध नहीं हो, लो लेवल का भी निबंध नहीं हो। छात्रों की रुचि विकसित करने के लिए छात्रों के द्वारा संपन्न की जाने वाली जो विविध गतिविधियों के माध्यम से हम ये कह सकते हैं उनकी रुचि का पता लगा सकते हैं, और उनकी रुचि के पता लगाने के बाद हम क्या कर सकते हैं उससे रुचि के अनुसार ही प्रकरण को हम क्या कर सकते हैं बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, जिससे उन्हें निबंध लिखने में कठिनाई ना हो। फिर आता है निबंध लेखन के लिए छात्रों को उनकी स्वेच्छा से शिक्षण प्रदान किए जा सकते हैं। मतलब कक्षा के अंदर अध्यापक का ये कर्तव्य होता है कि वे बच्चों को क्या करें, एक तरह से निर्देशन प्रदान करें, और निर्देशन जब वो प्रदान करें तो बच्चों को ये फ्री छोड़े कि अब वो अपनी एक तरह से उनके अकॉर्डिंग जो भी निबंध लिखना चाहे वो लिखकर हमें बताए, इससे बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ता है। फिर नेक्स्ट आता है निबंध लेखन को प्रोत्साहन देने के लिए निबंध प्रणाली चित्र प्रणाली का उपयोग करना चाहिए। निबंध देखो, निबंध लेखन को प्रोत्साहन देने के लिए निबंध प्रणाली, सूत्र प्रणाली और चित्र प्रणाली का प्रयोग करना चाहिए। मतलब जब बच्चे निबंध लिखे तो उन्हें साइड में एक तरह से हमें सहायता प्रदान करनी चाहिए, और सहायता किसके बिहाफ पर प्रदान करनी चाहिए, एक प्रणाली के रूप में, सूत्र प्रणाली के रूप में और चित्र प्रणाली के रूप में, जिससे बच्चे
उसको देखे परखे और उसका अवलोकन करते निबंध लिख सके। फिर आता है जो निबंध होता है वो विषय सरल से कठिन की ओर होने, मतलब पहले एक तरह से इजी इजी वाक्य को बनाने के लिए प्रेरित करना चाहिए और उसके बाद जटिल विषयों की तरफ आना चाहिए, जटिल मतलब एक तरह से टफ निबंध की ओर से आना चाहिए। हम ये देखते हैं कि इसके माध्यम से हम बच्चे के अंदर लिखित अभिव्यक्ति का विकास होता है और तर्क और चिंतन शक्ति का विकास होता है। तो निबंध लिखने से बच्चे अपने आप ही उस चीज़ को सोचने के लिए तत्पर होते हैं, तो वो विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से क्या कर सकते हैं, उस चीज़ को लिखने के लिए तत्पर हो सकते हैं। यह आपका निबंध लेकर फिनिश हो गया। लिखने की प्रक्रिया को सीखने और समझने के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। अब ये आपका यूनिट फिनिश हो गई। कल से मैं इनके क्वेश्चंस लेके जो इम्पोर्टेंट है वो लेके उसका रिवीजन मैं आपको कराऊंगी। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।